पॉलिटिकल पार्टी जिसको कहते हैं हमारे होश उड़ जाते हैं, लोग घबरा जाते हैं, लोग डर जाते हैं कि पॉलिटिकल तो बहुत गंदी है, पॉलिटिकल में आना नहीं चाहिए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, पॉलिटिकल का मतलब है सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल का मतलब है गरीबों की इंसाफ दिलाना, पॉलिटिकल का मतलब है औरतों की इंसाफ दिलाना, पॉलिटिकल का मतलब है जो बेरोजगार है उनको रोजगारी के लिए कोशिश करना, और पॉलिटिकल का मतलब है जो गलत होता है उसको रोकने के लिए जुबान उठाकर खड़े हो जाना, और पॉलिटिकल का मतलब है कि कितनी भी बड़ी आगे की ताकत, मुझे बहुत सारे लोगों ने कितनी भी बड़ी ताकत आगे वाली खड़ी हो उसको खड़ के जवाब देना कि तू ये गलत कर रहा है, तू ये सही कर रहा है, उसी का नाम पॉलिटिकल है। जो सच्चा पॉलिटिशियन है जो सच्चा समाज का सेवा करने वाला है, इसी तरह इंसाफ दिलाने के लिए अपने जानों को भी लोग गुमा दिए हैं, बहुत सारे लोग हमारे फ्रीडम फाइटर, और इंसाफ का दिलाना उसी का नाम पॉलिटिकल है। अगर आप ये समझते हैं कि जो पॉलिटिकल का चेहरा आज नजर आता है तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पॉलिटिकल के चेहरे को लोगों ने बदल के रख दिया है, पॉलिटिकल का चेहरा एक घबराहट वाला बना दिया है, पॉलिटिकल करके बोलेंगे तो हमको खौफ आ जाता है। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, महिला एम्पावरमेंट पार्टी का मतलब ये है, उसका जो स्लोगन है जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी, और इंसाफ दिलाना है भारत की हर महिला के लिए, इंसाफ दिलाना है भारत के हर स्टूडेंट के लिए, भारत में इंसाफ दिलाना है भारत के हर बेरोजगार के लिए, इंसाफ दिलाना है भारत के कोने कोने के लिए, इंसाफ दिलाना है रिक्शा चलाने वाले के लिए, इंसाफ दिलाना है ऑटो ड्राइवर के लिए, इंसाफ दिलाना है किसान के लिए, इंसाफ दिलाना है, यही जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी का स्लोगन लेकर ये पार्टी आपके सामने आई है। ये पार्टी का और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ में इंसाफ